वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्रेजी फॉर साउथ में। और आज हम बात करने वाले हैं एक और बिग अपडेट के बारे में, यानी कि राम पोती नैनी की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अगर लाइक नहीं करते हो तो लाइक जरूर करना अगर वीडियो अच्छा लगा तो। सो गाइज, रिसेंटली मैंने आपको द वॉरियर का रिव्यू बताया था, और वॉरियर का जो टीजर आया था उसमें जिस तरह का एक्शन राम पोती नैनी का देखने को मिलता था, आप लोगों का डिमांड भी था कि ये हिंदी में आएगा कि नहीं आएगा। उस वीडियो में मैंने कवर अप किया है, आप जाके देख लेना। आरकेडी स्टूडियो ने इसका हिंदी डबिंग राइट खरीदा है, और देखते हैं थिएटर में हिंदी में आती है कि नहीं आती है। बट अभी के लिए बायलैंग्वेल कंपलसरी है, और जिस तरह का एक्शन जिस तरह का एक्टिंग वहाँ पे राम पोती नैनी का देखने को मिलता है वो कमाल का था। और विजुअल्स भी काफ़ी अच्छे थे, डायरेक्शन के साथ स्क्रीन प्ले भी काफ़ी अच्छा लग रहा था जितना उस पर्टिकुलर टीजर में देखने को मिलता है। सो गाइज, उनके अपकमिंग पैन इंडिया प्रोजेक्ट को लेकर अनाउंसमेंट आ चुकी है, जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं बोया प्रतीश सीनू। गाइज, अगर इस पोस्टर को आप अच्छे से देखोगे तो नीचे पूरे पांचों लैंग्वेजेस लिखे गए हैं, जिसमें पैन इंडिया के तहत पांच लैंग्वेज में रिलीज होगा, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़ा, जिसको बोया प्रतीश सीनू जो है डायरेक्ट करेंगे। हीरोइन के लिए अभी तक कास्टिंग जो है चूज नहीं किया गया है, बट ये बहुत बड़ी न्यूज है। जितने भी राम पोती नैनी फैन है वो इस न्यूज़ को जानने के बाद बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था, और लगभग 7 से 8 फिल्में मैंने राम पोती नैनी का देखा है, और पिछले 8 साल के अंदर लगभग 4 फिल्में तो मैंने राम पोती नैनी का देखा है, और 1 फिल्म थिएटर पे, और 3 फिल्म मैंने गोल्ड माइन टेलीफिल्म में देखा है। और यहाँ तो ज़्यादातर उनकी फिल्म लगती नहीं है, तो एक ही फिल्म जो है मैंने लगभग 3-4 साल पहले, मतलब पैंडेमिक से पहले जो है देखा था थिएटर पे, और उसके बाद जो है अभी पैन इंडिया जो है रिलीज होने वाला है। अब रीमेक तो बॉलीवुड कर नहीं सकता, क्योंकि राम पोती नैनी भी अपना फिल्म पैन इंडिया के तहत रिलीज करना चाहते हैं। गाइज, अगर बात करें इसकी शूटिंग एंड इसकी शुभ मुहूर्त की, तो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि जून फर्स्ट वीक में इसका शुभ मुहूर्त होने वाला है, और लगभग 15 से 20 दिन के अंदर इसका शूटिंग को जो है जल्द से जल्द स्टार्ट कर लिया जाएगा। मैं पर्सनली काफी खुश हूँ इस डिसाइड के साथ, क्योंकि जो डिसीजन लिया है बोयापति सीनू ने अखंडा में, जिस तरह का उन्होंने डायरेक्शन दिखाया था, और वो चक्री वाला ऊपर वाला जो सीन था वो काफ़ी मुझे पसंद आया था। उनकी डायरेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है हर किसी को, तो राम पोती नैनी को किस तरह से वो लोग जो है डेवलप करेंगे एक नए कैरेक्टर, और उस तरह का जो कैरेक्टर लेके आएंगे उसको हिंदी में पैन इंडिया रिलीज करेंगे, तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आप इस प्रोजेक्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हो कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।